ओके जी, अज दी वीडियो हैगी गर्ल ते ते की उन्हां नूं खाना चाहीदा ताकि उन्हां दी स्किन वधिया रहे, वेट लॉस होवे ते जिहड़े उन्हां दे हारमोन ने उह बैलेंस रहे। मैनूं एक दो कुड़ियां दे एक दो भैणां दे मैसेज आए ने, उह कहिंदे वी असीं वी तुहाडा जिहड़ा फास्टिंग वाला पेज आ हैरी मडेर पेज आ उहनूं फॉलो करदे आ ते तुसीं आल वेज बॉयज़ नूं टिप्स दिंदे रहिंदे हो कि कुछ वीडियो आ जिहड़ी कुछ हैल्दी टिप्स गर्ल लई वी बणाओ। तो आलमोस्ट 10-15 जो ऑन गोइंग क्लाइंट्स कुड़ियाँ चल रही ने जिन्हों का वेट लॉस भी होया तो होर भी उन्होंने हैल्थ बेनीफिट हुए हैं मेरे प्लैन के। सो आप अच्छ गल करेंगे किदा तुम जो अपनी हैल्थ आ अपने हारमोनस बैलेंस रख सकते हो। सो हूँ पहली गल करते हैं जो गर्ल्स की, जिहड़े उन्होंने गर्ल्स होंदियां ने उन्हां दे हारमोन ते डिपेंड हुंदा ते बॉयज़ दे हारमोन ते डिपेंड हुंदा। हुण जिवें कि मैन दा जो हारमोन दा टेस्टोस्टेरोन ते गर्ल दा एस्ट्रोजन, सो उहदे करके जो अपनी बॉयज़ दा फर्क आ ते जो अपनी बॉडी परसेंट फैट आ उहदा वी फर्क आ। क्योंकि तुसीं देखोगे जे साडी 12% बॉडी फैट आ तां उत्थे तुहाडी 16 होऊगी, मतलब गर्ल मैन दे मुकाबले गर्ल्स दी बॉडी फैट ज़्यादा हुंदी आ उह हारमोनस करके, क्योंकि थोड़े विच एस्ट्रोजन ज़्यादा आ टेस्टोस्टेरोन घट हुंदा। सो अज आपां गल करांगे कि तुसीं जो प्रॉपर हैल्थ बेनीफिट किदां दे जो फूड ऐड करके तुसीं लै सकदे हो। सारे फूड मैं शो करूँगा, मोस्टली मैं अपने जो वाइफ दी भी जो डाइट दे विच ऐड करे ने, जो मेरे क्लाइंट ने उन्हां दी भी डाइट दे विच ये फूड मैं ऐड करे ने। सो सारी वीडियो बने रहो। तो हुण इक गल मैं होर तुहाडे नाल क्लीयर करनी चाहुंदा, पिछली वीडियो दे विच मैं दस्सिया सी कि कुछ रिसेप्टर हुंदे ने अपनी बॉडी दे विच अल्फा ते बैटा। सो गर्ल दे विच जो अल्फा हुंदे ने उह ज़्यादा पाए जाते हैं, तां ही जो अल्फा ने उन्हां नूं तुसीं बैटा मन के चलो, तो जो जिन्ने अल्फा होणगे उन्नी अपनी बॉडी जो फैट परसेंट ज़्यादा होगी तो लॉस करनी औखी है। हुण गर्ल दे आर्म एरिए दे विच थाई एरिए दे विच ते जो लव हैंडल फैट हुंदी आ उहदे विच जो अल्फा रिसेप्टर ने ज़्यादा हुंदे ने, ठीक है, बैटा थोड़े च घट हुंदे ने। सो जिन्ने बैटा होणगे उह गुड ने, उह फैट लॉस लई हैल्प करदे ने। तो हुण जिहड़े तां ही मैं कहिंदा ना फास्टिंग करिया करो, इंटरमीटेंट फास्टिंग 16 आवर दा वर्त तो 8 घंटे की थोड़े को ईटिंग विंडो आ। जो तुम वर्कआउट करते हो दैन जो अपना ब्लड फ्लो हों, सो एरिए ज़्यादा होंगे, सो बैटा रिसैप्टर ज़्यादा होंगे ने, ता ही अपनी जो आर्म की फैट आ जो बैली फैट आ घट होगी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ब्लड फ्लो भी ये एरिए ज़्यादा होंगे। तो बाकी जिहड़ा अपना ब्लड शुगर लो हों बॉडी फैट यूज़ करती है। सो इंटरमीटेंट फास्टिंग यूज़ करा करो। सो हूँ आप गल करते हैं फूड की। सो पहले नंबर पर मैं थोड़े न शेयर करूँगा ब्राज़ील नट। हुण ब्राज़ील नट क्यों? क्योंकि इन्हां विच सिलीनियम बहुत हुंदा, सिलीनियम ते जिंक प्रॉपर जिहड़ा अपना थायरॉयड हारमोन दा उहनूं बैलेंस करदे ने। जे अपना थायरॉयड हारमोन अनबैलेंस होवे, जो कि मोस्टली कुड़ियों नूं प्रॉब्लम आउंदी आ, दैन जां तां अपना वेट काफ़ी हाई होई जांदा जां फिर बहुत घट रह जांदा, गेन नहीं हुंदा, कुड़ियां स्किनी रह जांदियां ने। जे तुसीं इह नट ऐड करेंगे हो, ठीक है, दो ही बहुत ने थोड़ू जी डेली वैल्यू थोड़ी सिलीनियम की पूरी कर देंगे। पर मेक श्योर इन्हों भिओ के खाना, क्योंकि इन्हों के हों फाइटिक एसड। हुण जो फाइटिक एसड हों और जो बाकी आयरन या होर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में मिलते हैं, उन्होंने जो न्यूट्रिशन मिलते हैं उन्होंने ब्लॉक करता। सो जो भिओ के खाने तो आलमोस्ट वो जो फाइटिक एसड आ रिमूव हो जाता। सो मेक श्योर ओवरनाइट पानी भिओ के ये नट खाने ने, ताकि जो थोड़ा थायरॉयड हारमोन आ प्रॉपर रहे। मेक श्योर दो तुम दिन के खानी खाने किसी भी टाइम खा सकते हो, ठीक है। हुण नैक्सट चीज़ हैगी अपनी जो मोस्टली बहुत जरूरी आ गर्ल्स लई, कोलेंजर पेप्टाइस, ठीक है, प्रोटीन। हुण ये वो तरह का प्रोटीन नहीं, देखो हुण अपनी सारी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई आ। सो ये डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होंदा बाकी प्रोटीन तो। सो जिहड़ा कोलेंजर प्रोटीन आ ये अपनी स्किन, हेयर ते नेल तिने चीज़ां की मेन ग्रोथ करता। सो जे तुसीं ये सप्लीमेंट अपनी डाइट ऐड करेंगे तुसीं देखेंगे थोड़ी स्किन क्लीयर हो, विंकल्स जाएंगे, स्किन टाइट होगी, तो थोड़े हेयर जो ग्रोथ हो हेयर थिक होणगे, नेल दी ग्रोथ होगी, तो आलमोस्ट थोनों ये जो बोनस के भी हैल्प होगी, क्योंकि बोन भी अपनी इस प्रोटीन के नाल बनती है जिन्हों कोलेंजर पेप्टाइज कहते हैं, ठीक है। मेक श्योर ग्रास फीड लियो, तुसीं अनफ्लेवर लै सकते हो। सो 1 या 2 स्कूप अपनी सर्विंग साइज के हिसाब न जो कि सप्लीमेंट लेंगे तुसीं पानी के नाल किसी भी टाइम पी सकते हो, या फिर समूदी च पा सकते हो। सो नैक्सट गल करूँगा मैं सप्लीमेंट की, तो आप फूड चो भी लवेंगे पर आप शो करेंगे कि यह सप्लीमेंट तो फूड क्यों जरूरी ने, क्योंकि जेडे मिनरल ने वो आपको क्यों जरूरी है, ठीक है। हुण कुड़ियों मोस्टली प्रॉब्लम आती है ओस्टियोपोरोसिस की, ठीक है, हड्डियां नूं मतलब हड्डियां नूं एक समझ लो कहने आप घुण लग जाता, हड्डियां वीक होने लग जाए ने। हुण हड्डियां के लिए आपको पता कि कैल्शियम जरूरी है, पर कैल्शियम ने अब्जॉर्ब कद होना जब उन्हें विटामिन D3 ना होना। जे तुसीं कल्ला कैल्शियम लैंदे हो दैन उन्हें अब्जॉर्ब नहीं होना बॉडी च, ते बाकी जिहड़ा विटामिन डी आ। हुण इत्थे मैं एक होर चीज़ की गल करदा, जिहड़ा विटामिन डी आ उहनूं एक्टिवेट करदा मैगनीशियम, ठीक है, जो कि यह सप्लीमेंट दे विच हैगा। तो जे तुसीं मैगनीशियम लेंगे तो विटामिन डी एक्टिवेट हो, विटामिन डी एक्टिवेट हो उन्हें कैल्शियम जिहड़ा सप्लीमेंट आ उहदे नाल मिल के
ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਨ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਪੰਪਕਨ ਸੀਡ। ਠੀਕ ਆ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 14-15 ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਚਮਚੇ ਪੰਪਕਨ ਸੀਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਪਕਨ ਸੀਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਕ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਨੇ ਐਕਟਿਵ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪੰਪਕਨ ਸੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਲੇਜਰ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੂਦੀ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਪਕਨ ਸੀਡ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੀਆ ਸੀਡ। ਹੁਣ ਚੀਆ ਸੀਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਚੀਆ ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੈਕ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੋਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ 3 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਸਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਲਏਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ 3 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਦੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜੈਲੇ ਟਾਈਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਓਮੇਗਾ 3 ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਪੜ੍ਹੇਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਰਕ ਚੋਕਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 70-80% ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਚੋਕਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਕਾਓ ਨਿਬਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 70-80% 'ਚ ਕਕਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਡ ਵਿਦ ਕਕਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਰਕ ਚੋਕਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਕਾਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਪਕਨ ਸੀਡ ਐਡ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਆ ਸੀਡ ਐਡ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹੇਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗਰਲਜ਼ ਉਹ ਵੈੱਜ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੀਨੀਅਮ, ਜਿੰਕ, ਆਇਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਗਰਲਜ਼ ਵੈੱਜ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਮੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਬੋਇਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੂਡ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੀਸਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੀਸਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੀਸਟ ਪਾਊਡਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਬੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਮੂਦੀ ਖਾਣਾ, 1 ਚਮਚਾ ਜਾਂ 2 ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੀਸਟ ਪਾਊਡਰ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੀਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਡਾਰਕ ਚੋਕਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਡ ਵਿਦ 70% ਕਕਾਓ, ਪੰਪਕਨ ਸੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੀਆ ਸੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੂਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰੇਗੋ ਵਿਦ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਟ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਫੂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਿਨਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਓਮੇਗਾ 3 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਕੋਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਸ਼ਰਡ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਦੀ 'ਚ, ਦਹੀਂ 'ਚ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਓਟ ਮੀਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਗਰਲਜ਼ ਜੋ ਕਾਫੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਗਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ 'ਚ ਵੈਸਲੀਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਵੈਸਲੀਨ ਜਾਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ 'ਚ, ਫੇਸ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੈਸਲੀਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ,
सो आप फिर ऑयली फूड खाने या घट खाने ता होंगी आ सो जो कुछ तुम्हें खाना थोड़ी बॉडी ने उ शो करना थोड़ी डाइट वधी थोड़ी जॉयल एंड क्लीयर होगी थोड़े फेस तो फैट जाऊगी ओवरऑल जब तुम स्किन हाइड्रेट रहेंगे थोड़ी स्किन ओवरऑल जब थोड़ी स्किन वधिया रहेंगी तुम प्रॉपर फूड ऐड करते हो लाइक लैमन विटामिन सी रिच फूड ऑरेंज ठीक है कीवी जब तुम क्यूकंबर खाने हो या वाटर थोड़ी इनटेक बैटर आ सो थोड़ी जो स्किन हाइड्रेट रहेंगी दैन ग्लो भी करती है तो थोड़ी स्किन पतली भी होंगी है जिनी थोड़ी स्किन पतली हो उन्नी बैटर लगेगी उन्नी वो ग्लो करेगी सो डाइट प्रॉपर जिहड़े फूड ने थोनू हाइड्रेट रखते हैं तो विटामिन ई रिच फूड खाया करो लाइक जिवें बदाम ठीक है जां सप्लीमेंट भी ले सकते हो जिहड़े थोड़ी स्किन की केयर करन जिहड़ी थोड़ी स्किन आ वो ग्लो करे ठीक है सो सारे इहो जो प्रॉपर फूड ने यह अपनी तुसीं डाइट दे विच ऐड कर सकते हो मेक श्योर एक्सरसाइज करया करो वॉकिंग करया करो ठीक है मॉर्निंग इंटरमिट फास्टिंग ट्राई करो मॉर्निंग वॉक ते जाओ लैमन वाटर पिया करो ताकि जो थोड़ू विटामिन सी मिले तो थोड़ी स्किन हाइड्रेट रहे चिट्टा लूण ना वरतो हिमालय पिंक साल्ट वरत्या करो ठीक है डाइट वधिया रखो पनीर खाया करो क्योंकि हुण देखो जिहड़े विटामिन के आ ठीक है विटामिन के बहुत ज़्यादा जरूरी आ अपनी बोन हैल्थ लई हुण विटामिन के दे जो रिच फूड किहड़े ने ओह रैड मीट आ पर तुसीं कित्थों लै सकदे हो तुसीं इहनूं लै सकदे हो पनीर तों दुध तों ठीक है इदां दे फूड खाया करो जस्ट हुण जिहड़ी डाइटिंग आ ओह बहुत ही टेस्टी आ वैसे ही लगदा हुंदा तुसीं छोले बॉयल छोले कर लो उहनां दा सैलड बना लो सैलड पा के खाया करो ठीक है पनीर जिवें आपां पनीर च मिक्स वैजीटेबल दी सब्जी बनाउने आ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ना ओह खाया करो जे तुसीं कैनेडा जां इधरली कंट्री चों अवोकाडो खाया करो ठीक है इंडिया उहदी जगह हैल्दी फैट तुसीं एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल च लिया करो सो इदां दे हैल्दी फूड खाया करो तां कि तुहाडी स्किन वधिया रहे ओमेगा थ्री खाया करो जिहड़े सप्लीमेंट ने इह जरूर ऐड करियो विटामिन बी थायरॉयड वैल्स लई ते इक होर लास्ट सप्लीमेंट रह गया सी जो मैं तुहानूं मैनशन करना कि माका रूट कहें माका सप्लीमेंट ठीक है वह सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है गर्ल के प्रॉपर जो हारमोन बैलेंस करता तुम गूगल कर सकते हो माका ठीक है माका सप्लीमेंट तुम बिफोर बैड ले सकते हो थोड़ा स्ट्रैस लैवल लो करेगा एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी ठीक है दूजे दिन तुम अपने काम से ज अपनी स्टडी मेन फोकस कर सकते हो सो माका रूट जो गर्ल के जो सारे हारमोन ने उन्होंने बहुत बैलेंस करता सो माका रूट सप्लीमेंट भी तुम अपनी डाइट ऐड कर सकते हो ठीक है सो सारे ये फूड से हैल्दी प्रॉपर देखो प्रोटीन फूड हो गए हैल्दी कार्ब्स हो गए वैजीटेबल हो गई हैल्दी फैट हो गई तो नट एंड सीड इदा के सारे फूड खाया करो ता कि थोड़ा प्रॉपर बेनीफिट मिलन तो जे तुम एग वगैरह नहीं खाते मोस्टली गर्ल्स एग खा लेंदियां ने जे तुम एग नहीं खाते एक आता मिक्स प्लांट बेस्ड प्रोटीन सारा ही ऑरगैनिक सो वह भी तुम अपनी स्मूदी वगैरह ऐड कर सकते हो ठीक है यह सारी इंफोरमेन हूँ थोड़ा पता लग गया कि फूड ने जो गर्ल्स लिए बैटर ने एक तो मैं थोड़ा कहा कि बोन की प्रॉब्लम बहुत आती है थायरॉयड की प्रॉब्लम बहुत आती है सो बाकी स्किन ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਰੀ ਮਿਡੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।